कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फ्लाइंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 4 जुलाई सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना है, शेयर बाजार में क्या संभावना बन सकती है, साथ साथ नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। पांचवा तत्व आकाश इन चारों तत्वों में भी समावेशित है। पृथ्वी अग्नि तत्व की 3 राशियां होती हैं, 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मिश्रित रहने की संभावनाएं बन सकती हैं, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, सोच लूं और देख लूं, इस तरह की असमंजस की स्थितियां आज देखने को मिल सकती हैं। अतिरिक्त सावधानी रखनी आवश्यक होगी। पृथ्वी तत्व की होती हैं 3 राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वृषभ, कन्या और मकर राशि ये हैं पृथ्वी तत्व की राशियां। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये हैं वायु तत्व की राशियां, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार पुनः विचार कर लें। 4, 8, 12 जी हाँ जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। दिन आपके लिए मुफीद रह सकता है, शानदार रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। पूर्व में लिए गए सही निर्णय आज आपको लाभ दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। अब हम चर्चा करेंगे एग्रो वॉच यानी एग्रीकल्चर कमोडिटी यानी एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आपको याद होगा मसाले यानी जीरे एवं धनिए के ऊपर यानी कोरिएंडर एंड क्यूमिन के ऊपर हमने लगातार आपको अपडेट दी है। तेजी के समय तेजी की बताई और मंदी से पाने से पहले आपको मंदी की आगाह किया। आज मसालों के अंदर बाहर आ सकती है तेजी की, तेजी की लहर आने की संभावनाएं बन रही हैं। आप जीरा यानी क्यूमिन पे नज़र रखिए, तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। कोरिएंडर यानी धनिए में भी तेजी की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता, अच्छी तेजी बन सकती है। गौरतलब है कि विदेशी जीरा और चीन की खरीदारी बहुत महत्वपूर्ण है जीरे के लिए, क्योंकि चीन हमारा, चाइना हमारा प्रमुख आयातक देश जीरे में है और वहाँ पर अच्छी खपत होती है। चाइना जीरे के आयात भारत से कर सकता है, इसकी संभावना बन रही है, इससे जीरा तेजी की राह पकड़ सकता है। धनिया के अंदर भी आज, कोरिएंडर के अंदर भी आज तेजी की संभावना बन सकती है, विशेष ख्याल रखें। क्या ये तेजी और आगे 3 से 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता या 10 दिन या 1 महीना जारी रहेगी या फिर ऊपरी स्तरों पर करना चाहिए मुनाफा वसूली, जानिए हमारे अगले एपिसोड्स में। तो दोस्तों याद रखिएगा, साल 2021 के अंदर हमने आपको कहा था कि जीरा और धनिए में बरसेगा सोना साल 2022 में, ऐसा ही हुआ। 65 रुपए का धनिया 130 रुपए हो गया, 200 रुपए की 110-120 रुपए का जीरा बिकने वाला 200-225-230 रुपए तक बिका। तो दोस्तों अग्रिम विश्लेषण आपको जब भी हमने दिया है वो अधिकतर सत्य साबित हुए हैं। तो जीरा धनिए के ऊपर रखिए नज़र। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण कमोडिटी है हल्दी यानी टर्मरिक, इसके अंदर भी आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मसाला पैक तेजी दिखा रहा है, गवार सीड के अंदर भी निचले स्तर के ऊपर बाउंस पैक आने की संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों सोयाबीन, सरसों यानी ऑयल सीड्स, तिलहन में और पल्सेस के अंदर चना, दालें, तिलहन पर, दलहन पर, कॉटन कपास पर हमारे आगे शो हैं, उनको आप बिल्कुल देखना ना भूलें। क्या तेजी आने वाली है या मंदी,
इसके विशेष रिसर्च हम आप तक शेयर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो बड़े कारोबारी हैं वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये था एग्रो कमोडिटीज का आज का विश्लेषण संभावनाएं। अब हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार में क्या संभावना है। पिछला सप्ताह शेयर बाजार के लिए बहुत माकूल नहीं था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और बड़े निवेशकों को बड़ा नुकसान भी देखने को मिला। लेकिन कहा जाता है कि शेयर बाजार हर रोज एक नई सुबह लेके आता है। रात गई बात गई, फिर दोबारा शुरुआत होती है और पुराने गलतियों को लोग सुधारते हैं। यही निवेश का पहला नियम है। आज नज़र रख सकते हैं आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर, यानी खाद एवं बीज के स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। उसके अंदर RCF, नेशनल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, इन पर नज़र रखी जा सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाजार बहुत ही चतुर और इंटेलिजेंट गेम है और इस गेम के अंदर वही कामयाब होते हैं जो धैर्य और अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें, जो कि एक आवश्यक होता है कोई भी बाजार की बात वार्तालाप करते समय। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे रखिए नज़र, ऑयल एंड गैस के अंदर भी नज़र रखी जा सकती है, गुजरात गैस पर नज़र रख सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी नज़र रखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे पार्ट में नॉन एग्रो कमोडिटीज यानी कमोडिटीज़ के अंदर। कमोडिटीज़ के अंदर संभावनाएं आज विशेष बन सकती है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बुलियन के बारे में कहा था, ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई और सोने चांदी ने ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। लेकिन पिछले सप्ताह सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से गोल्ड के अंदर तेज़ी भी बनी। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी से क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके ऊपर हमारा विशेष एपिसोड हमारे चैनल पर है, बिल्कुल देखना ना भूलें। गौरतलब है कि भारत गोल्ड का सबसे बड़े आयातक देशों में से एक माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि गोल्ड की खपत और सर्वाधिक गोल्ड भारत में ही उपलब्ध है। यद्यपि सरकारी आंकड़े और इंटरनेशनल आंकड़ों में मेल नहीं है और जो गोल्ड रिजर्व है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन भारतीय परिवारों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी से जो गोल्ड रिजर्व है उसका यदि हम शामिल करें तो संभवतः भारत विश्व का पहला देश माना जाएगा गोल्ड होल्डिंग के मामले में। तो दोस्तों सोने के अंदर आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर संभवतः तेजी बन सकती है। भारतीय रुपया कमजोरी की ओर अग्रसर है, 79 रुपीज क्रॉस कर दिया है जो ऑल टाइम लोएस्ट भाव रुपी का माना जाता है अंग्रेज अमेरिकन डॉलर। आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर संभवतः सरकारी प्रयासों रंग लाए और भारतीय रुपया की जो कमजोरी है अमेरिकन डॉलर के बरखिलाफ उसमें कुछ रुकावट आए, यानी उसमें कुछ गति धीमी हो या रुपया वापस बाउंस बैक की राह में चल सकता है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, विशेष ख्याल रखें। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या फिर एग्रो कमोडिटीज, ये सब संभावनाओं के खेल हैं। इसके अंदर तीव्र बुद्धि तुरंत निर्णय एक बड़ा काम करते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। साथ साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर और लाइक भी अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।
टैक्स से जुड़ी परेशानियों से